तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें हम डिस्कस करेंगे अपना मिनरल बैलेंस, जिसमें हमारा सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और जो हमारा श्रिम्प फार्मिंग का बैकबोन है, आपका सक्सेस, आपका सर्वाइवल और आपके एक्वाटिक एनिमल का सर्वाइवल उसी पर डिपेंड करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज अ फ्री अवेयरनेस इनिशिएटिव ऑन अ वर्ल्ड फिशरीज डे 2021। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशिएंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। दिस इज अ इनिशिएटिव फॉर द टूवर्ड्स द सक्सेस ऑफ एक्वाकल्चर। और जितना भी सेशन हमारा रहेगा वो हिंदी और इंग्लिश में है और आज का जो सेशन है वो सेशन नंबर 31, एक कदम मत्स्य पालन सफलता की ओर, जिसमें हम फिश फार्मिंग, श्रिम फार्मिंग, ट्रैप फार्मिंग, चाहे वो बायोफ्लॉक में हो, अर्थन पॉन्ड में हो, सीमेंटेड टैंक में हो, सभी पर उस पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आपका श्रिम फार्मिंग है वो आपका कंप्लीटली डिपेंड करता है सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के रेशियो पे, जो हम ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो सेलिनिटी जितना जरूरी है आपके एक्वाटिक एनिमल के सर्वाइवल के लिए, उतना ही सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये भी उतना ही जरूरी है। और डे टू डे या वीकली बेसिस, बाई वीकली बेसिस पे ये भी आपको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। तो जो भी आपके फैक्टर्स हैं वो कम्प्लीटली सेलिनिटी पे डिपेंड करेंगे। तो उसके अगेंस्ट में यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया हुआ है कि जिससे आप उसकी वैल्यूज निकाल सके। जैसे सोडियम और पोटेशियम का अगर हम देखें तो 28:1 का रेशियो चाहिए आपका मिनरल बैलेंस के लिए। तो नीचे वो वैल्यूज दी हुई हैं जिससे आप मल्टीप्लाई करके वो वैल्यूज निकाल सकते हैं। जैसे सोडियम आपको निकालना है तो 304.5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मिलीग्राम पर लीटर की वैल्यूज आपको मिल जाएगा। पोटेशियम का अगर देखेंगे तो 10.7 जो 1% का रेशियो है उसकी वैल्यूज आपको मिल जाएगा। तो पर लीटर भी आप उसको इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। जो टोटल वाटर वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग आप इजिली कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट में जो आपको मिनरल्स डलेगा वो भी आप इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो ये सैंपल है ये सेलिनिटी वाटर 35 पीपीटी के इन कंपैरिजन है। एप्लीकेशन ऑफ कमर्शियल प्रोडक्ट फॉर सप्लीमेंटेशन ऑफ मिनरल। तो कमर्शियल प्रोडक्ट पे जाने से पहले आप उसका इंपॉर्टेंस समझिए। और आपके पास लॉट्स ऑफ जो एग्रीकल्चर में यूज होते हैं वो फार फार लोअर कॉस्ट पे आपको मिल जाएंगे और आपका सक्सेस भी बढ़ाएंगे, आपका कंपोजिशन भी उनका नोन होगा और आपको लेस कॉस्ट में भी वो मिलेगा। कमर्शियल प्रोडक्ट प्रेजेंट इन द मार्केट पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मिनरल मिक्सचर एक्सेट्रा। मैनी कमर्शियल प्रोडक्ट डोंट मेंशन द कंपोजिशन ऑफ मिनरल। तो ये हमारे इंडिया का ब्यूटी है कि वहां बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा कि उनमें क्या कंपोजिशन है। तो अगर आप रॉ प्रोडक्ट पर जाते हैं जो आपको अपने फर्टिलाइजर शॉप पे, अपनी जो एग्रीकल्चर की शॉप्स वगैरह वहां से लेंगे तो फार फार आपको लोअर प्राइस पे मिलेगा और सब ओपन मार्केट में आपको वो चीजें मिलेंगी। सप्लीमेंटेशन ऑफ मिनरल्स। तो जो हमारा स्टैंडर्ड डोज है ग्राम पर मीट्रिक क्यूब, मतलब 1000 लीटर में ऑलमोस्ट वो ग्राम की कंपैरिजन में जाएगा, तब आपका वो पर लीटर में मिलीग्राम की कंपोजिशन आपको मिलेगी। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द मिनरल्स ऑन द डेली बेसिस। तो जो मिनरल का इंपॉर्टेंस है, जैसे सोडियम आपका जरूरी है, कैल्शियम जरूरी है, मैग्नीशियम जरूरी है, पोटेशियम जरूरी है, क्योंकि जो मोल्टिंग होगी उस टाइम पर वो ही उसको सर्वाइवल देगा, उसका मेंटेन करेगा। जैसे जैसे उसका ग्रोथ बढ़ेगा ये सब चीजें उसको चाहिए होंगी। तो जितना आपका सेलिनिटी, पीएच, अमोनिया, नाइट्राइट, हाइड्रोजन सल्फाइड वो सब जरूरी है, उतना ही ये मिनरल कंपोजिशन है, क्योंकि आपका सर्वाइवल और आपका ग्रोथ यहीं से बढ़ेगा। तो जो कैलकुलेशन है, बेसिकली जो फॉर्मूला है वो आपका डोज जो लगेगी ग्राम पर मीट्रिक क्यूब, जिसे 1000 लीटर में 1 ग्राम मान सकते हैं, डिजायर्ड कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर मिनरल्स, जो भी आपको उसका चाहिए कंसंट्रेशन की वैल्यू वो
परसेंटेज ऑफ द पर्टिकुलर मिनरल इन सॉल्ट, जैसे आप अपना जो भी कंपोनेंट यूज कर रहे हैं उसमें वो मिनरल्स कितना अवेलेबल है, और डिवाइड बाय 100। उसको फॉर्मूला से समझते हैं। अगर जैसे मैग्नीशियम सल्फेट आप यूज कर रहे हैं MgSO4, तो मैग्नीशियम कंटेंट जो है उसमें 10% है, और रिक्वायर्ड कंसेंट्रेशन जो आपको चाहिए, आप सपोज 25 मिलीग्राम चाहिए, तो जो डोज उसका जाएगा वो जाएगा 25 डिवाइड बाय 10%, जो मैग्नीशियम की वैल्यू डिवाइड बाय 100। तो जो वैल्यूज आपकी निकल के आएगी वो 250 मिलीग्राम पर लीटर, मतलब 1000 लीटर में ये 250 ग्राम आपका जाएगा, जो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू वो दे देगा। अगर आपके कुछ भी क्वेश्चन है, कोई भी सुझाव है, कुछ कमेंट है, निगेटिव पॉजिटिव, वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। और भी किसी विषय पर आप हमसे जानकारी चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए, हम उस पर साइंटिफिक अप्रोच के साथ वो इन्फॉर्मेशन आपको देने का कोशिश करेंगे। अगर आप हमसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर कुछ पूछना चाहते हैं तो 9971157533 इज अ नंबर। वी आर एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेसेस, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस आइडियाज एंड सिक्योर योर इन्वेस्टमेंट। वी आर वर्किंग एज अ प्रोग्रेसिव फार्मर, ट्रेनिंग एंड नॉलेज पार्टनर, कंसल्टेंट, बिजनेस प्लानर एंड पार्टनर। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एंशियंट इंडिया एग्री बिजनेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट अपडेट फॉर अवर अपकमिंग वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने रेस्पेक्टिव ग्रुप में भी इसे फॉरवर्ड कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा ये किसान भाइयों तक पहुँच के उसको मदद कर सके। धन्यवाद।